नमस्ते। कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी पुरुषोत्तम रूपाला जी, आर्य समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं स्वामी जी की जन्मभूमि टंकारा पहुंचता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मैं मन से, हृदय से आप सबके बीच ही हूं। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज ये महोत्सव मना रहा है। मुझे पिछले वर्ष इस उत्सव के शुभारंभ में भाग लेने का अवसर मिला था। जिस महापुरुष का योगदान इतना अप्रतिम हो, उनसे जुड़े महोत्सव का इतना व्यापक होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि ये आयोजन हमारी नई पीढ़ी को महर्षि दयानंद के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्मभूमि गुजरात में मुझे जन्म मिला, उनकी कर्मभूमि हरियाणा लंबे समय तक मुझे भी उस हरियाणा के जीवन को निकट से जानने समझने का और वहां कार्य करने का अवसर मिला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव है, उनकी अपनी एक भूमिका है। मैं आज इस अवसर पर महर्षि दयानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। देश विदेश में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को भी जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इतिहास में कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविष्य की दिशा को ही बदल देते हैं। आज से 200 वर्ष पहले दयानंद जी का जन्म ऐसा ही अभूतपूर्व पल था। ये वो दौर था जब गुलामी में फंसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। स्वामी दयानंद जी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूढ़ियां और अंधविश्वास ने देश को जकड़ा हुआ है। इन रूढ़ियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था। इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो, इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है।
इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा, लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। साथियों, हमारी सामाजिक कुरीतियों को मोहरा बनाकर अंग्रेजी हुकूमत हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सामाजिक बदलाव का हवाला देकर तब कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराया जाता था। ऐसे कालखंड में स्वामी दयानंद जी के पदार्पण से जब सब साजिशों को गहरा धक्का लगा, लाला लजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, क्रांतिकारियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हुई जो आर्य समाज से प्रभावित थी। इसलिए दयानंद जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। साथियों, स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंभिक वर्षों में है। स्वामी दयानंद जी भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले संत थे। भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। स्वामी दयानंद आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को भी, हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है, हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। आज आर्य समाज के देश और दुनिया में 2500 से ज्यादा स्कूल हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। आप सभी 400 से ज्यादा गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज 21वीं सदी के इस दशक में एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के अभियानों की जिम्मेदारी उठाए। डीएवी संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक जीती जागती स्मृति है, प्रेरणा है, चैतन्य भूमि है। हम उनको निरंतर सशक्त करेंगे तो ये महर्षि दयानंद जी को हमारी पुण्य श्रद्धांजलि होगी। भारतीय चरित्र से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था आज की बड़ी जरूरत है। आर्य समाज के विद्यालय इसके बड़े केंद्र रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश अब इसे विस्तार दे रहा है। हम इन प्रयासों से समाज को जोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, पर्यावरण के लिए देश के प्रयास हो, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेक अभियान हो, आज की आधुनिक जीवन शैली में प्रकृति के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाला मिशन लाइफ हो, हमारे मिलेट्स श्री अन्न को प्रोत्साहन देना हो, योग हो, फिटनेस हो, स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा आना हो,
आर्य समाज के शिक्षा संस्थान, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी सब मिलकर के एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपके संस्थानों में जो विद्यार्थी हैं, उनमें बड़ी संख्या ऐसे युवकों की भी है जो 18 वर्ष पार कर चुके हैं। उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में, वो मतदान का महत्व समझे, ये दायित्व समझना भी आप सभी वरिष्ठों की जिम्मेदारी है। इस वर्ष से आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी आरंभ होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हम सब इतने बड़े अवसर को अपने प्रयासों, अपनी उपलब्धियां, उसे सचमुच में यादगार बनाएं। साथियों, प्राकृतिक खेती भी एक ऐसा विषय है जो सभी विद्यार्थियों को लिए समझना, जानना जरूरी है। हमारे आचार्य देवव्रत जी तो इस दिशा में बहुत मेहनत करते रहे हैं। महर्षि दयानंद जी के जन्म क्षेत्र से प्राकृतिक खेती का संदेश पूरे देश के किसानों को मिले, इससे बेहतर और क्या होगा। साथियों, महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। देश के इन प्रयासों से जन जन को जोड़ना, ये आज महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथियों, इन सभी सामाजिक कार्यों के लिए आपके पास भारत सरकार के नवगठित युवा संगठन की शक्ति भी है। देश के इस सबसे बड़े और सबसे युवा संगठन का नाम मेरा युवा भारत, माय भारत है। दयानंद सरस्वती जी के सभी अनुयायियों से मेरा आग्रह है कि वो डीएवी शैक्षिक नेटवर्क से भी विद्यार्थियों को माय भारत से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं आप सभी को महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर महर्षि दयानंद जी को, आप सभी संतों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।